नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। वक्त भारत एट नाइन का, और आज फिर हम बात कर रहे हैं आकाश से बरस रही मिसाइलों की, सामने से तोप के गोलों की, कीव से खारकीव तक तबाही के मंजर की, महायुद्ध की महातस्वीरें लगातार सामने आ रही है। यूक्रेन झुकने के लिए तैयार नहीं है, रूस पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। आज छठा दिन है और ये भयंकर तस्वीरें लगातार यूक्रेन से सामने आ रही है। आज एक भारतीय छात्र ने भी अपनी जान गंवा दी इस युद्ध में, जिसको लेकर लगातार भारत सरकार से गुहार लगाई जा रही है। भारत सरकार द्वारा कर्नाटक के रहने वाले नवीन के पिता से बातचीत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। चारों तरफ यूक्रेन में तबाही का मंजर है। ऐसे में क्या मुख्य आज बातें रही हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। उसके बाद अलग अलग जगहों से जो छात्र हैं, जो लौट चुके हैं, जो वहां पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, परिजनों से भी बातचीत करेंगे, किस तरह से वो वहाँ पर समय व्यतीत कर रहे हैं, किस तरह का मंजर है, और जो परिवार के लोग हैं जो यहाँ पर हैं, जिनके छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उन पर किस तरह की आफत लगातार बीत रही है। तो गूगल ने रूस के आधिकारिक चैनल आरटी और स्पुतनिक यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर दिया है। आज की ये मुख्य खबर है। इसके बाद SBI ने रूस की प्रतिबंधित संस्थाओं के साथ व्यापार करना बंद कर दिया है। वहीं रूस ने अपने लोगों के विदेश में मनी ट्रांसफर पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। फ्रांस ने यूक्रेन में अपनी एम्बेसी की कीव से लीव में ट्रांसफर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया यूक्रेन को $75 मिलियन देगा। यूरोपीय देश यूक्रेन को 75 फाइटर प्लेन देंगे। यूक्रेन के अधिकारियों ने रूसी सेना पर खारकीव में एक रिहायशी इलाके में रॉकेट दागने का आरोप भी लगाया, जिसमें दर्जनों नागरिक मारे गए। यूरोपियन यूनियन ने क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव और रूसी तेल कंपनी रोसनेफ्ट के CEO इगोर सेचिन पर बैन लगा दिया है। वहीं यूक्रेन में मानवीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने दवाओं सहित तत्काल राहत आपूर्ति भेजने का फैसला भी किया। इन्हें बुधवार को यूक्रेन की जनता के लिए भेजा जाएगा। भारत हमेशा सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की बात करता है। भारत सरकार का मानना है कि कूटनीति के रास्ते पर लौटने के अलावा और भी कोई विकल्प नहीं है। भारत यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को रेस्क्यू करने के लिए जो भी कुछ कर सकता है वो कर रहा है। भारतीय नागरिकों को बाहर निकालना हमारी प्राथमिकता है, भारत सरकार द्वारा यही कहा जा रहा है। इसके अलावा एक हाई लेवल की मीटिंग भी आज हुई है, जिसमें ऑपरेशन गंगा को और ज्यादा तेज करने की बात कही जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि भारतीय दूतावास की एक एडवाइजरी आज जारी हुई है, जिसके बाद ये कहा गया कि आज कीव खाली करने के निर्देश दिए गए, जिसे जो साधन मिले वो लेकर कीव खाली कर दें। कई एयरफोर्स के विमान तैयार किए गए हैं ऑपरेशन गंगा के तहत। ये जल्द से जल्द जो भारतीय छात्र वहां फंसे हुए हैं उन्हें वापस लेकर आएंगे। ऑपरेशन गंगा के तहत पूरा रेस्क्यू किया जाएगा। तो ये हालात लगातार बने हुए हैं। ऐसे में जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जरा आपकी मुलाकात करा देते हैं, और वो जो लौटे हुए लोग हैं यूक्रेन से, जो छात्र लौटे हुए हैं, बताएंगे कि वहां का मंजर कैसा था, कितना भयावह था और कितना मुश्किल ये समय उन छात्रों के लिए था। कृष्णकांत प्रसाद हमारे साथ जुड़े हैं, और शाहिदा जावेद की बहन है, जावेद जो यूक्रेन से वापस लौटे हैं। वहीं इकबाल हमारे साथ जुड़े हैं। शाहिदा देखिए, जावेद तो लौट गए हैं, लेकिन आज एक भारतीय छात्र जो कि कर्नाटक के निवासी थे, नवीन, उनकी जान चली गई, इस खबर में चारों तरफ चीख पुकार मचा दी है। यूक्रेन से लेकर भारत तक दहशत का माहौल बना हुआ है। शाहिदा शाहिदा आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है आपकी। शाहिदा हालात बद से बदतर हो रहे हैं। आपके भाई जावेद यूक्रेन से वापस लौटे हैं, आपसे कल भी हमने बातचीत की थी, लेकिन आज एक मासूम की जान चली गई इस युद्ध में, भारत का छात्र, कर्नाटक का रहने वाला नवीन। मैडम अभी मेरा भाई भी वापस नहीं आया है, वो रास्ते में है, अभी लवीव के लिए वो लोग निकले हैं खारकिव से, और आज रात करीब 1 या 2 बजे तक वो लोग बॉर्डर पे पहुंच पाएंगे।
उसके बाद देखते हैं कि कितना टाइम लगता है, फ्लाइट मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या होगा, हो पा रही है, क्योंकि जावेद से हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उनका कहना था कि वो अभी ट्रेन में हैं और 6-7 घंटे उन्हें और लगेंगे बॉर्डर पर पहुंचने में। जी जी, बस वो मैसेज ड्रॉप कर रहा है, बस अपडेट दे रहा है, लेकिन हमारी प्रॉपर अब उससे बात नहीं हो पा रही है और अब तो हालत बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, अब हमारे पास कोई शब्द नहीं है, अब क्या कहें। बस भारत सरकार से यही गुहार है कि जितना जल्दी हो सके बच्चों का सेफ्टी का बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि बॉर्डर पे भी बहुत अच्छा बिहेवियर नहीं हो रहा है इंडियंस के साथ में, और उनके पास कोई खाने की व्यवस्था नहीं है, इतना ज्यादा ठंड है वहां पे, और यहाँ से कोई भी ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत फास्ट कुछ हो रहा है, बच्चों की सेफ्टी का कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है। अब हम होप कर रहे हैं, पता नहीं कब तक फ्लाइट मिलेगी, कब तक नहीं मिलेगी। बिल्कुल, हालात बद से बदतर बने हुए हैं और लगातार हर एक नजर जो है वो इस युद्ध पर बनी हुई है हर किसी की। कृष्णकांत भी हमारे साथ जुड़े हुए। कृष्णकांत, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी मैम। कृष्णकांत, आप कहां पर हैं इस वक्त? मैम, मैं इस वक्त अपने घर पर आ चुका हूं। आप वापस लौट चुके हैं यूक्रेन से कृष्णकांत? जी हाँ मैम, मैं अपने घर पर वापस आ चुका हूं। कैसा ये सफर रहा, कितनी तकलीफें यहां झेलनी पड़ी, क्योंकि भारत जो छात्र लौटे हैं वो भारत सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। क्या आसानी से आप लौट सके, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि इंडियन एम्बेसी वहां पर मदद नहीं कर रही है, खाने पीने का सामान उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। मैम, ऐसा हुआ है कि अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस या फिर अपने साथियों को अगर मैं आपके उसके बारे में बताऊं, जी, तो हम लोगों के साथ में क्या हुआ है कि हम लोगों को एडवाइजरी जारी हुई थी कि हम लोगों को 26 तारीख को यूनिवर्सिटी जो है बस अरेंज करवाएगी, जिसका एक मिनिमम फेयर जो रहेगा हमको पे करना रहेगा, उसके बाद हम लोग बॉर्डर की ओर निकलेंगे। बट किन्हीं कारणों की वजह से फ्लाइट डिले हुआ है या फिर कुछ ऐसा हुआ है कि बॉर्डर पर कुछ दिक्कत आई है, भीड़ वगैरह ज़्यादा होने की वजह से हम लोगों की जो डिले थी वो 24 घंटे का डिले हुआ, हमें 27 तारीख को जाना था, लेकिन फिर उसके बाद सभी छात्रों ने, हम लोगों ने, अपने दोस्तों ने ग्रुप बनाया और हमने डिसाइड किया कि हम 36 तारीख को अपनी ही तरफ से इंतजाम करके हम बॉर्डर की तरफ जाएंगे। तो मैम, हम लोग, हमारे ग्रुप में करीब करीब 300 बच्चे थे जो कि दो ग्रुप बना के हम लोग गए हैं, और काफी बच्चे हमारे साथ के जो है वो पहले भी निकल चुके थे बॉर्डर के लिए। तो हम लोग मैम इस तरह से निकले थे, हम लोग इवानो फ्रांकेविस से हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग जब निकले थे वहां से, हम लोग ऑपरेशन गंगा की बात करें, अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई और बातचीत की है, ऑपरेशन गंगा को और ज्यादा तेज करने की कवायद की बात यहाँ की जा रही है। कितना विश्वास हो पा रहा है, क्या जो तेजी यहाँ लगातार हम देख रहे हैं वो तेजी हमें यूक्रेन में भी भारतीय जो छात्र हैं उन्हें वापस लाने में देखने के लिए मिल रही है? क्योंकि अभी तक महज जी मैम मुश्किल से 1500 या 2000 छात्र जो हैं वो वापस आ पाए होंगे। जी मैम बिल्कुल, अभी आप जो आप कह रहे हैं हमें बिल्कुल तेजी दिखाई दे रही है, और क्योंकि मेरे भी फ्रेंड हैं, अभी जिस छात्र की आपने कुछ देर पहले बात करी नवीन की, उसके साथ में पढ़ने वाले ही मेरे दोस्त हैं खारकी यूनिवर्सिटी में, फोर्थ ईयर के वो भी स्टूडेंट हैं, और हम लोगों की मतलब दोस्तों से बात हो रही है तो खारकी के स्टूडेंट इस समय बॉर्डर की तरफ आ रहे हैं और हम भी जितना हो सकता है उनसे कांटेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग उनको गाइड कर सकें कि जिस प्रोसेस से हम लोग आए हैं उस प्रोसेस में वो लोग भरोसा रखें। होगा कि हालात अब बहुत ज्यादा बदतर हो चुके हैं, क्योंकि रूस ये कह रहा है कि जब तक हम लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेंगे हम पीछे नहीं हटेंगे, यूक्रेन ये कह रहा है कि हम झुकने वाले नहीं है, EU में सदस्यता ग्रहण करेंगे, उसके बाद फिर अपनी मजबूती यहाँ पर अपना परचम लहराएंगे, तो ऐसे में मुसीबत जो है वहां रुक रहे भारतीय छात्रों की लगातार बढ़ रही है। हालांकि मैं ये नहीं कह रही कि वहां के जो यूक्रेन के नागरिक हैं उन्हें परेशानी नहीं है, देखिए हजारों की संख्या में परेशान है लोग, लाखों की संख्या में पलायन कर चुके हैं, कई बच्चे भी इस युद्ध में मारे गए हैं। कृष्णकांत, आप बता रहे हैं कि नवीन जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, इस युद्ध का जी मैम असर जो है उन पर हुआ और सुबह उनकी मौत हो गई, जिसके बाद भारत में भी मातम पसरा हुआ है और हर कोई उनके लिए इंसाफ मांगता हुआ नजर आ रहा है कि अगर सरकार, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार जल्द कोशिश करती तो शायद नवीन को बचाया जा सकता था, वो इस युद्ध का शिकार नहीं होता। तो आप समझा सकते हैं कि आखिर नवीन कहाँ गए थे, और बताया भी जा रहा है कि गोलाबारी हुई जिसमें नवीन की मौत हो गई है, खाना लेने के लिए बाहर उतरे थे ट्रेन से। मैम इनफैक्ट बात ऐसी है कि अभी जो बच्चे वहाँ पर फंसे हुए हैं हम लोगों का टोटल उनसे पूरा कांटेक्ट है, वहाँ पर जितने भी सीनियर्स हैं हम लोगों के वो भी सब अभी इसी बात में मतलब सब लगे हुए हैं कि किसी तरीके से बच्चों को वहाँ निकाला जाए,
रही बात सरकार की, अगर आप बात करें तो सरकार वहां पर पूरा जो ऑपरेशन है एकदम मिलिट्री लेवल पे उसको ऑपरेट कर रहे हैं, यानी उम्मीद है के बारे में अभी कोई चीज उम्मीद है कि जी, सभी बिल्कुल, जो छात्र हैं सकुशल वापस लौट जाएंगे। जी हाँ बस अब बहुत हुआ, जल्द से जल्द छात्र वापस आने चाहिए, यही मांग यहाँ पेरेंट्स कर रहे हैं। कृष्णकांत आपके पास वापस लौटूंगी, परमेश उपाध्याय भी हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो यूक्रेन में फंसे हुए थे उनके पेरेंट्स हैं वो भी बने हुए, उनसे भी बातचीत खत्म करेंगे। परमेश जी आपसे जी नमस्कार मैडम। नमस्ते, देखिए परमेश जी आपसे पहले भी बातचीत हुई, काफी परेशान हैं, देखिए स्थिति हम समझ सकते हैं, जिनके बच्चे यूक्रेन में इस वक्त मुसीबत में हैं उनके पेरेंट्स पर क्या बीत रही होगी, शायद ये मैं नहीं समझ सकती, आप बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन दुख हमें भी हो रहा है जिस तरह से हमने नवीन को खोया, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे और छात्र ऐसे इस युद्ध में शिकार हो जाए इस युद्ध का, इसलिए हम कोशिश लगातार सरकार से बातचीत करने की कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें वापस लाया जाए। अभी ऑपरेशन गंगा को और ज्यादा तेज किया जा रहा है, एयरफोर्स के जो विमान हैं वो भी लगाए जाएंगे, उम्मीद है कि अब बच्चों की सकुशल वापसी हो जाएगी। जी मैडम, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ जी, कि पहले जो मेरी इस पे आपने मेरी बात पहुंचाई कि वहां पे क्या व्यवस्था हो रही है, तो तब से और भारत सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, खासकर मोदी जी का, जो उन्होंने इतने कम समय में इतनी सारी मीटिंग की है और चार मंत्रियों को जो उन्होंने पहुंचाया, तब से बहुत अच्छी व्यवस्था होने लगी है। इवन यूक्रेन के अंदर भी जो बॉर्डर पे परेशानी पहले थी जी, वो अब उतनी परेशानी नहीं है, क्योंकि वहां पर कैंप लगा दिए गए हैं, जैसे चेर्नोबिस्की पे कैंप लगा दिए गए हैं। यूक्रेन में फंसे हुए थे क्या वो वापस आए हैं या अभी रोमानिया बॉर्डर पहुंचे हैं? नहीं, अभी मैम कीव से कल सुबह निकल गए थे और लूत सिटी से वो अपनी बस करके और जो बोडेमियर एक पोलैंड का बॉर्डर है उस पे पहुंच गए हैं और वहां क्यू में लगे हुए हैं, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है वहां। मैडम मैं सबसे आग्रह भी करूंगा जो बच्चे कहीं इधर उधर हैं तो पोलैंड के बोडेमियर उस पे पहुंचे बॉर्डर पे, क्योंकि वहां पे जो विवेक कुमार जी हैं बहुत बढ़िया ध्यान दे रहे हैं बच्चों पे, उनसे हमारा बराबर टच रहा, बच्चों को बहुत हिम्मत दी उन्होंने, एमबीसी के जो बंदे हैं भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जी, तो यानी ये जो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं कि हमें सरकार द्वारा कोई मदद नहीं मिल रही है, हम परेशान हैं, वो कहीं ना कहीं सुनी गई है, उस पर सुनवाई हुई है, ये कहना चाह रहे हैं परमेश जी आप? जी जी, जो आपके चैनल से और अन्य सभी चैनल दिखाया, खासकर आपने हमारी बात जो पहुंचाई, तो सरकार और मोदी जी ने बहुत अच्छी मिलिट्री तरीके से ये ऑपरेशन गंगा का सफल, उम्मीद यही है क्योंकि एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि जैसे तैसे भी आइए आप निकलिए कीव से, ये एडवाइजरी जारी की गई थी, सबसे हालात और ज्यादा तनावपूर्ण बने हुए थे, तो ऐसे में घबराहट और डर का माहौल भी छात्रों में देखा जा सकता है। देखिए माहौल बहुत खराब है, बार बार जो छात्र हैं बंकर्स में छुपे हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने बेसमेंट को ही बंकर बना लिया है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में बहुत ऐसे छात्र परेशान हैं। में भी बच्चे मैम स्टेशन पे और अन्य बंकरों में अभी बच्चे फंसे हुए हैं, बिल्कुल फंसे हुए हैं, उनसे बातचीत लगातार हो रही है, परमेश जी बातचीत लगातार हो रही है उनसे। चलिए ठीक है, आपका मैं रुक करूंगी, इकबाल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, इकबाल जी क्या आपके भी बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं या आपके बच्चे वापस आ चुके हैं सकुशल? नहीं, मेरे बच्चे आज सुबह इकबाल जी की आवाज मुझ तक ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है, दोबारा से उनके पास मैं जाऊंगी। इकबाल जी आपकी आवाज़ ठीक तरीके से नहीं आ पा रही, दोबारा से हम संपर्क साधेंगे, शायद कनेक्टिविटी का कोई प्रॉब्लम है। शायदा देखिए जैसा कि अभी और भी पेरेंट्स यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए, एक स्टूडेंट जो वापस आ चुका है वो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, अब पेरेंट्स भरोसा जता रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द छात्रों को वापस लाएगी। अभी जो परमेश जी बने हुए उनको साफ तौर पर कहना था कि हो सके तो पोलैंड के पास जो बॉर्डर है वहां जाइए, वहां पर भीड़ उतनी नहीं है, वहां से आप आ सकते हैं, तो क्या उम्मीद है शाहिदा जावेद की वतन वापसी कब तक हो पाएगी? होप्स हो के जल्दी से जल्दी जावेद आए, क्योंकि बस अब दुआ ही कर सकते हैं, बाकी तो जो वहां पे अवेलेबल हैं वही सही सिचुएशन जान पा रहे हैं, अब हमें तो जो हम वीडियोस देख रहे हैं वही सुन के बता रहे हैं कि वहां की सिचुएशन क्या है, क्योंकि मेरा भाई तो अभी बॉर्डर पे पहुंचा ही नहीं है, अब वो वहां बॉर्डर पे पहुंचे वहां से क्या फैसिलिटीज दी जा रही हैं तभी कुछ अपडेट मिल पाएगा मुझे तो। और बहरहाल ये है कि बहुत ज्यादा परेशान है और गवर्नमेंट जितना अच्छा करेगी
हम लोग उतना आभारी रहेंगे। बिल्कुल, जिम्मेदारी भी है और लगातार जो रूस की सरकार है वहां से भी बातचीत यहां मोदी सरकार की लगातार हो रही है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्द से जल्द छात्रों की वापसी हो। इसको लेकर आज एक अहम बैठक भी की गई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ऑपरेशन गंगा को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाए ताकि जो छात्र हैं वो सकुशल वापस आए, क्योंकि आज जिस तरह से एक दुखद खबर सामने आई उसने हर किसी को झकझोर दिया है। ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया से लेकर बड़े चैनल्स से लेकर छोटे चैनल्स तक ये खबर चली है। हर कोई यही कामना कर रहा है कि और ऐसी खबर हमें नहीं सुननी है और ऐसी खबर हम नहीं चाहते कि हम देखें, इसलिए जल्द से जल्द सकुशल छात्रों की वापसी हो। देखिए 1000 या 2000 छात्र नहीं है, 15,000 से ज़्यादा ये छात्र बताए जा रहे हैं जो कि मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए हुए थे, लेकिन हालात इतने बदतर हो गए कि उन्हें इस तरह से वहाँ पर रात गुजारनी पड़ रही है, दिन गुजारने पड़ रहे हैं, चारों तरफ से बमबारी हो रही है, गोलियों की तड़तड़ाहट, मिसाइलों से हमले हो रहे हैं। जानकारी तो ये भी मिली है कि गैर परमाणु बम जो है वो भी रूस ने यूक्रेन पर छोड़ा है, ऐसा रूसी जो मीडिया है वो यूक्रेनी मीडिया जो है वो दावा कर रही है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जल्द वक्त बताएगा। तमाम लोग जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णकांत, आप लगातार बता रहे थे वहाँ की स्थिति, अगर अब स्थिति देखी जाए तो अब स्थिति भयावह है। जब से एडवाइजरी जारी हुई है तब से उथल पुथल का माहौल जो है वो हम देख रहे हैं। जी मैम, अभी से स्थिति थोड़ी सी भयावह आप कह सकते हैं हुई है, लेकिन इसके उलट जो है बॉर्डर की तरफ अगर आप देखें जहां से बच्चों को बाहर जाना है, वहां पर इंडियन गवर्नमेंट ने इस तरह से फैसिलिटी बनाई है कि अभी इस वक्त किसी भी बॉर्डर पर इंडियन को किसी भी तरीके से रोका नहीं जाएगा। आपको वहाँ की पुलिस और वहाँ की जो आर्मी है वो आपको पूरा क्लियर एग्जिट देगी, एकदम क्लियर बात आपके लिए देगी। सिर्फ आपको इंडियन पासपोर्ट होल्ड करना है। आप वहाँ से वापस लौट चुके हैं और आप बता रहे हैं कि व्यवस्था काफी अच्छी थी। मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रही हूँ, देखिए युद्ध के हालात कैसे हैं, तस्वीरें कैसे हैं, इसमें तो तमाम चैनल्स बातचीत कर रहे हैं। मैं आपसे ये पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि जब ये आज छठा दिन है, जब पहला दिन था, क्या उससे पहले कोई एडवाइजरी जारी हुई थी आप लोगों के लिए कि यहाँ पर बड़े हमले होने जा रहे हैं, युद्ध की जो तस्वीर है वो और ज़्यादा भयावह होने जा रही है, तो आप पहले ही निकल जाइए? वहाँ कोई ऐसी सुगबुगाहट या अंदाज़ा नहीं लगा पाए कि हालात ऐसे हो जाएंगे? जी हाँ मैम, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जिस दिन हम लोगों को वॉर की खबर मिली है उस दिन से हम लोगों के पास एडवाइजरी आ रही है, और उससे पहले हम लोगों के पास एक एडवाइजरी आई थी जिसमें कि हमको बताया गया था कि युद्ध के हालातों में होने पर क्या करना चाहिए। हालांकि युद्ध के बारे में किसी को भी नहीं पता था, जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पर यूक्रेनियन लोग हैं उनको भी इस बारे में कभी कोई अंदाजा नहीं था कि इस तरह से युद्ध किसी भी वक्त स्टार्ट हो सकता है। तो इसीलिए कोई भी उसके लिए इंडियन छात्र हो चाहे किसी भी देश का छात्र जो कि हमारे साथ पढ़ रहा है या फिर वहाँ के जो लोकल स्थानीय निवासी हैं उनको भी किसी तरीके का अंदेशा नहीं था कि युद्ध स्टार्ट हो सकता है, इसीलिए कोई भी उसके लिए तैयार नहीं था। और हम लोगों की रही बात, अगर मैं इंडियन छात्रों की बात करूं तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा कि जो भी आपको एडवाइजरी या फिर इस वक्त जो भी आपको प्रोसेस बताया जा रहा है आप लोग सिर्फ प्रोसेस पे ट्रस्ट कीजिए और उस प्रोसेस के थ्रू आप लोग बिल्कुल सही सलामत अब इंडिया आ जाएंगे। हालांकि आज एक कैजुअलिटी हुई है उसके लिए हम लोग भी बहुत ज्यादा चिंतित और दुखी हैं। हम लोग हर वक्त हर पेरेंट्स जितना भी मुमकिन हो सकता है, क्योंकि हर वक्त पेरेंट्स का कॉन्टेक्ट बच्चों के साथ नहीं। बिल्कुल, और अब जिस तरह से नवीन की मौत वहाँ हुई है उसको बर्दाश्त कर पाना कहीं ना कहीं भारत के लिए मुश्किल है, इसीलिए भारत सरकार और ज्यादा तेजी के साथ सभी छात्रों को वापस लाने की तैयारी कर रही है। बिल्कुल कृष्णकांत, परमेश जी देखिए आप लोगों के बच्चे वहां पर मौजूद हैं, आप लोगों का क्या हाल हो रहा होगा ये तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन उस तरह नहीं समझ सकती जितना दुख आपको हो रहा होगा, क्योंकि आप पेरेंट्स हैं और आपके बच्चे इतनी दूर मौजूद हैं, वो भी ऐसी जगह पे जहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल अभी लग रहा है, क्योंकि बॉर्डर्स पर जाना, फिर वहाँ से एयर इंडिया का विमान जाएगा या फिर एयरफोर्स का विमान जाएगा वो लेकर आएगा, ऐसे में समय काफ़ी लग रहा है, एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा होगा। क्या आपकी लगातार बातचीत हो रही है? ये आप सही कह रही हैं कि माँ बाप के साथ उनकी जो माताएं पूरे दिन भगवान के आगे बैठी रहती हैं, और केवल ये माँ नहीं बाकी हमारे पूरे मुरैना जिले के पूरे मध्य जो भी जानते हैं इन बच्चों के लिए दुआएं कर रहे हैं, बच्चों के लिए पूजा पाठ लगे हैं। आज शिवरात्रि पे अभिषेक शंकर भगवान की, मतलब
जो बन पड़े वो सब लोग कर रहे हैं, क्योंकि बच्ची बॉर्डर पे, उन्हें लग रहा है कब बॉर्डर से क्रॉस हो जाए। और मेरे साथ में समक्ष मेरी बच्ची के साथ में बेटा है, समक्ष उसके पापा भी है, मैं इन्हीं के यहाँ पे दिल्ली में रुका हुआ हूँ, 24 तारीख से मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ। मैडम मैं आपको जो है कुछ अनुभव बताना चाहता हूँ कि जो हमारे बच्चों ने क्या अनुभव किया और हम लोगों ने क्या अनुभव किया यहाँ बैठ के, बिकॉज वी वर ऑल्सो इन द सेम यू नो सिचुएशन। बच्चे वहाँ बंकर में नीचे सो रहे हैं और हम लोग बड़ा रात भर नींद नहीं आती थी, और जो जो अनुभव था इतना भयावह अनुभव था, लेकिन मिशन गंगा के बाद इतना थोड़ी शांति मिली हमें, चीजें स्मूथ हुई। पहले बच्चे बड़े बेहाल थे, हमारे बच्चे जो एम्बेसी में फंस गए थे वो 5 दिन वहां पे रहे और बंकरों में सोते थे, खाने पीने के लाले पड़ गए थे। बिल्कुल, और ये अंदाजा मैं लगा सकती हूँ, देखिए ये बहुत बहुत बड़ी राहत की बात है कि आप लोग भरोसा जता पा रहे हैं सरकार पे, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो भरोसा नहीं जता पा रहे हैं, वो क्योंकि ये दृश्य ही ऐसा है, ये नजारा ही ऐसा है कि यहाँ पर हालात इतने बदतर हो चुके हैं और कोई बस ये चाह रहा है कि जैसे तैसे उनके बच्चे जो हैं वो वापस आ जाएं। शाहिदा बेहद परेशान है, उनके भाई भी रास्ते में हैं, अभी आ रहे हैं। सरकार की भी मजबूरी है कि यूक्रेन में, यूक्रेन जो वॉर जोन, वहाँ पे सरकार की भी मजबूरी है, वो ज्यादा हेल्प नहीं कर सकते। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने अब जो है जो बॉर्डर एरियाज में बड़ी अच्छी पुख्ता प्रबंध किए हैं, अच्छा फैसिलिटेट किया है, कुछ नए एंट्री पॉइंट खोले हैं जहाँ पे कम भीड़ है और छात्र वहाँ से आसानी से जा सकते हैं। जैसे अभी हमारे बच्चे, जैसे हम बात कर रहे हैं, वो बोडोमेज बॉर्डर पर अभी खड़े हुए हैं, दे आर इन द क्यू, और वहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो आधा घंटे में वो बॉर्डर पार कर जाएंगे। हम सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, और यही उम्मीद भारत भी लगातार लगा रहा है कि जो उसके देश के बच्चे हैं जो वहाँ पढ़ाई के लिए गए थे वो सकुशल वापस लौट जाएं। और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ी जंग जो है वो भारत में भी आपस में ही देखी जा सकती है, क्योंकि जंग है कि कैसे अपने छात्रों को सकुशल वापस लाया जाए, क्योंकि रास्ते जो है वो पूरी तरह से, एयरबेस जो है वो रूस ने पूरी तरह से बंद कर दिया गया है अलग अलग देशों के लिए। ऐसे में रूस जो है भारत का अच्छा मित्र हमेशा से ही रहा है, इसलिए संबंध अच्छा होने के नाते कोशिश सरकार कर रही है कि जैसे तैसे रूस के रास्ते लाया जाए छात्रों को, ताकि वो सकुशल भारत लौट सके, क्योंकि अगर यूक्रेन के रास्ते से लाया जाएगा तो फिर स्थिति भयावह होगी, क्योंकि नहीं पता कहां से कौन सा बम गिरेगा, कहां से कौन सी मिसाइल आएगी, तो स्थिति भयावह है। लेकिन हम यही गुजारिश आप लोगों से कर रहे हैं कि धैर्य बांध कर रखिए, मजबूत रहिए, स्ट्रांग रहिए, और कामना यही है कि जल्द से जल्द सकुशल सारे छात्र वापस वतन वापसी कर सके। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें रूस लगातार आक्रामक होता हुआ नजर आ रहा है। कल रात से ही यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। खतरे को देखते हुए भारतीय दूतावास ने सभी भारतीयों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। एडवाइजरी में सभी भारतीयों को आज ही कीव खाली करने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण हो गई। उनसे कहा गया कि जिसे जो साधन मिले वो लेकर कीव खाली कर दे। कुछ ऐसे हैं जो अपने पैसे खर्च करके वहां से बसें बुक करके या ट्रेन के माध्यम से जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अभी भी रुके हुए हैं, इंडियन एम्बेसी की मदद के लिए अभी भी रुके हुए हैं कि जल्द से जल्द उनके पास मदद आए और वो रुके वहां से पहुंचे। बता दें कि कीव में रूसी सैनिक सोमवार रात से ही लगातार बम और मिसाइलों से हमला कर रहे हैं। कीव पर कब्जे के लिए रूस काफी आक्रामक है, लगातार होते हमलों से खतरा बढ़ गया है। यही वजह है कि भारतीय दूतावास ने आनन फानन में एडवाइजरी जारी की है। रूस की तरफ से भी जारी की गई एडवाइजरी जिसमें कहा गया है कि खतरे और कुछ भारतीयों पर यूक्रेनी पुलिस द्वारा मारपीट की घटना सामने आने के बाद रूस ने एक एडवाइजरी जारी की, भारतीय स्टूडेंट्स के लिए जारी की थी, जिसमें कहा गया कि जो भारतीय यूक्रेन में फंसे हैं वो रूसी सैनिक से संपर्क करें, रूसी सैनिक उन्हें हर संभव मदद पहुंचाएगी। लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी आई जिसमें देखा गया कि जो स्टूडेंट्स हैं भारत के, उन पर जो रूसी सैनिक है वो हमलावर नजर आए हैं। सुरक्षित यूक्रेन से बाहर निकालने में मदद करेगी रूसी जो वहाँ पर एम्बेसी है वो, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, लगातार उसके पर्देफाश हो रहे हैं, लेकिन जो वहां से भारतीय वापस लौट रहे हैं वो वहां के हालात लगातार बता रहे हैं। स्थिति भयावह होती हुई नजर आ रही है, लेकिन ऑपरेशन गंगा से उम्मीदें कायम हैं। कुछ पेरेंट्स कह रहे हैं कि हमें बहुत उम्मीदें हैं कि भारत सरकार सकुशल सभी छात्रों को वापस लेकर आएगी। हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं, और सभी जो दर्शक हैं और जो पेरेंट्स है स्टूडेंट्स के, उनसे यही अपील है कि आप स्ट्रांग बने रहिए, मजबूत रहिए, धैर्य रखिए, ऑपरेशन गंगा पर भरोसा रखिए, जल्द से जल्द सभी छात्र वापस वतन वापसी कर लेंगे। तो आज के इस स्पेशल एडिशन में इतना ही, कल फिर लौटेंगे।
यूक्रेन के मुद्दे पर बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वहां से कितनी तैयारियों के साथ भारतीय छात्रों की वतन वापसी हो रही है। नमस्कार।